हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज राहुल। सो फ्रेंड्स, आपको पता है ठंडी आने वाली है और आजकल लाइक ठंडियों में तो हेयर से रिलेटेड काफी चीजों की प्रॉब्लम होती है हेयर में। कुछ लोगों को स्कैल्प में रैशेस होते हैं, कुछ लोगों को डैंड्रफ होता है, कुछ लोगों को हेयर फॉल होता है, तो सारी की सारी प्रॉब्लम ठंड में स्टार्ट हो जाती है। ये आपका अक्टूबर नवंबर से चालू होकर मार्च अप्रैल तक चलता रहता है, तो उस बीच में हमको अपने स्कैल्प का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। तो रिसेंटली मैं पहले एक कैस्टर ऑयल यूज करता था, रिसेंटली मैंने अर्बन बॉटिक्स का कैस्टर ऑयल मंगाया था, तो ये मेरे को वही 180 के अराउंड पड़ गया था, 200 ml का है। और कोल्ड प्रेस मतलब है तो इसको हीटिंग प्रोसेस से ऑयल नहीं निकाला जाता है। हीटिंग प्रोसेस से निकालने पे क्या होता है, जो बीज होते हैं वो उनसे कई सारे न्यूट्रिएंट्स खराब मतलब निकल जाते हैं, तो कोल्ड प्रेस करने से जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स है वो इस तेल में मौजूद होते हैं। और इसको मैं अराउंड यूज कर रहा हूँ 1-2 हफ्ते से, थोड़ा सा भी ऊपर से कम पड़ा है, ये छोटे बाल हैं तो उतना लगता नहीं है। वैसे प्रिंटेड रेट 299 रुपए का है, अमेजोन में आपको 180 या 200 रुपए तक मिल जाएगा। तो इसका मैं आपको एक पढ़ के दिखा देता हूँ ओवरव्यू कि आपको क्या क्या मिल रहा है, उसके बाद मैं अपना रिव्यू दूंगा पर्सनल कि इसको यूज करने के बाद बेनिफिट लगा कि नहीं लगा, कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि ये सूदित सनबर्न्स, जिनको सनबर्न्स हो जाते हैं, इफेक्टिव सॉफ्ट ऑफ्टेंस एंड हाइड्रेट स्किन, स्किन के लिए अच्छा मॉइस्चराइजर है, जो आपके फेस पे लाइक किसी का पिम्पल्स या किसी चीज का निशान पड़ जाता है, स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी काफी अच्छा है, और हेयर लॉस किसी को हो रहा है तो वो इसको यूज कर सकता है, और बालों को मोटा करने के लिए काफी अच्छा है, आई लैशेस के लिए भी अच्छा, मतलब एक तरीके से ब्यूटी प्रोडक्ट है, मल्टीपर्पज ऑयल है, आप स्किन में हेयर में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, लाइक कहीं पे जल गए हैं आप, चोट लग गई है, तो वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। हीलिंग प्रॉपर्टीज काफी अच्छी होती है कैस्टर ऑयल की, आप पढ़ सकते हैं गूगल में। काफी पुराना तेल है, इजिप्शियन यूज करते थे इसको, काफी लाइक मेडिसिन के रूप में यूज करते थे। तो अब भाई ये प्लांट करते हैं इस प्रॉपर ऑयल की, इस अर्बन बोटैनिक्स कैस्टर ऑयल की, क्या आपको लेना चाहिए। तो देखिए, मैं 1 हफ्ते से यूज कर रहा हूँ, और कैस्टर ऑयल का टेक्सचर जो होता है थोड़ा सा चिपचिपा लसलसा टाइप का होता है, थोड़ा मोटा होता है, तो आप इसको बस कैस्टर ऑयल लेके बालों में नहीं लगा सकते, इसको आप किसी लाइक किसी मीडियम में मिक्स करना पड़ेगा। तो आप आलमंड ऑयल यूज कर सकते हैं, प्योर आलमंड ऑयल, या आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, तो उसमें आपको मिक्स करके ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यह इतना थिक होता है, आप ऐसे बालों में लगाएंगे तो आप लगाते लगाते ही आपके बालों में कई बाल, हाथ में बाल टूट के आ जाएंगे। तो पहली बात तो उसको मिक्स करके लगाना है। महक उतनी अच्छी नहीं होती है, नेचुरल ऑयल है अगर आप देखेंगे तो, नेचुरल ऑयल में महक नॉर्मली होती है, और थोड़ा सा लसलसा है, तो इसको आप लगा के बाहर नहीं जा सकते, नाइट टाइम में लगाएं या नहाने के पहले लगाएं, तो वॉश आउट कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बात करूँगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो इसको मैं करेंटली एक मैंने आलमंड ऑयल भी मंगाया था इसी ब्रांड का, उसके साथ और कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके लगाता हूँ हफ्ते में 1-2 बार। कभी कभी रात में भी लगा के छोड़ सकते हैं आप, कभी नहाने के पहले एक लगा के छोड़ सकते हैं बालों में। तो मेरे को काफ़ी सही प्रोडक्ट लगा ये, लाइक हेयर फॉल तो उतना नहीं अभी स्टार्ट हुआ था, बट मेरे को डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता था, तो मेरे को लग रहा है कि इसको अगर मैं यूज़ करता रहूँगा तो आने वाले टाइम में मेरे को इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि ये स्किन को मॉइस्चर करता है। और डैंड्रफ क्या होता है, डैंड्रफ फ्लेक्स निकलते हैं और इचीनेस होती है, तो वो प्रॉब्लम मेरे को लगता है नहीं होगी। बट हाँ, ज़्यादा मत लगाएं, हफ्ते में 2-3 बार लगा के वॉश आउट कर दें, क्योंकि अगर और ज़्यादा ऑयली स्कैल्प रहेगा तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये ऑयल, कैस्टर ऑयल, इट्स ए गुड प्रोडक्ट, नेचुरल है, ओरिजिनल है, और काफ़ी किफ़ायती प्राइस में आपको मिल रहा है, ओरिजिनल ब्रांड है, आजकल कोई फेक प्रोडक्ट नहीं आता, तो इसको आप बाय कर सकते हैं। और इसमें विटामिन ई, मिनरल्स, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल आपने सुना है, इंडिया में भी काफ़ी हमारी दादी नानी अभी लगाती थी, काफ़ी अच्छा ऑयल है, तो आप बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट का, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से, इस ऑयल से रिलेटेड, तो मैं कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं, बट मैं आपके हेल्प करने की कोशिश जरूर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस।